नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। भारत और चीन के साथ हुई झड़प में रीवा का लाल हुआ शहीद। पिछले साल नवंबर में हुई थी शादी, पूरे गांव में छाया मातम। रीवा के मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत फरेंदा गांव में उस वक्त शोक की लहर फैल गई जब सेना से फोन आया कि गांव का बेटा संदीप सिंह चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हो गया। इस घटना के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। एक दिन पूर्व लेह लद्दाख में चीनी सेना से हुई मुठभेड़ में रीवा का सपूत वीरगत को प्राप्त हो गया। उनके शहादत की सूचना जैसे ही घर पहुंची तो पूरा गांव में मातम छा गया। मनगवा थाने के फरेदा गांव में रहने वाले दीपक सिंह लेह लद्दाख में एक दिन पूर्व चीनी सेना से लोहा लेते समय वीरगत को प्राप्त हो गए। रात करीब 10 बजे उनके पिता गजराज सिंह के मोबाइल पर रेजिमेंट से उनके शहादत की सूचना आई, जिसके बाद पूरे गांव में मातम छा गया। 30 नवंबर को उनकी शादी जोगिनहाई गांव में रहने वाली रेखा सिंह के साथ हुई थी। अपनी छुट्टी खत्म कर 14 फरवरी को वह ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गए थे। करीब 12 दिन पूर्व उन्होंने अपने भाई सचिन सिंह से बात करते हुए अपने लॉकडाउन के बाद घर आने की जानकारी दी थी। दीपक सिंह दो भाई थे और उनके बड़े भाई प्रकाश सिंह भी सेना में जवान हैं। इस घटना से उनके गांव में ही नहीं पूरे विंध्य में मातम का माहौल छाया है। हर कोई दीपक सिंह की बहादुरी और उनकी शहादत की बातें कर रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही शहीद की सूचना रीवा जिले में पहुंची, वैसे ही तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ प्रशासनिक अमला परिजनों को ढांढस बंधाने शहीद के गांव पहुंच गया तथा नेताओं ने परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की बात कही। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अंतिम संस्कार में शामिल होने रीवा आ सकते हैं। धन्यवाद, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। शहीद दीपक, आपसे कितने दिन पहले घर आए थे बता सकती हैं? 2 महीना पहले। 3 महीना। आखिरी बार आपसे फोन कॉल पे कोई बातचीत हुई हो? हाँ, कहीं जाए। क्या बोले थे उन्होंने कि कब आएंगे अब नेक्स्ट टाइम? या कहीं जाए के 10-15 रोज में बुआ फोन आऊंगे। हाँ, रोगा ना मेरी अक्ति कहीं थी कि पानी वानी दे जाए। हमारे बुआ के दो थी बखारे जाए, खाए का टाइम दिया नहीं, जानन के दादू चले गए। सब कहीं के हम आज आप का चिट्ठी दे भाई अपना का पापा का आगे पापा के देते तो अपना बचा ले दबोटी सब कहीं के मौला ला। 10-15 रोज माऊ है। उनसे साथ बाद अब फरवरी में आए थे, 30 को आए थे तो 14 को चले गए थे। बोले थे कि अभी जुलूस में आएंगे मई में, फिर ये हो गया कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। बोले अभी छुट्टी स्टार्ट हुई है तो अभी आएंगे इस महीने, अगस्त महीने में बोले थे, अगस्त महीने में आऊँगा। अभी 8 तारीख को बात हुई थी इनसे, भैया से हमारे देवर जी से, तो देवरानी आई थी, उनका स्कूल था नवोदय में, पढ़ाती हैं सिरमौर में, तो वहीं वो आई थी। तो वही 19 से 8 तारीख को बात हुई थी, फिर उसके बाद फोन नहीं आया उनका। हाल ही में शादी हुई और ये घटना हो गई। सभी हाल में ही शादी, नवंबर में शादी हुई थी उनकी। अभी बोल रहे थे कि हम लोग वहाँ विदेश जाने वाले हैं तो इसीलिए शादी कर दिए जल्दी में, तो फिर उनका तो रुक गया क्योंकि उनके अभी सीनियर नहीं गए हुए थे। तो बोले कि अभी सीनियर जाएंगे उसके बाद जूनियर का नंबर लगेगा, तो फिर नहीं है। फिर बोले मेरा पोस्टिंग आ गया है वहाँ 16 बिहार में, 16 बिहार यूनिट है वहाँ गई लद्दाख में। कौन सी बात याद आती है आपको जो रह रह कर दुख भरी होती है? काफी लाडले थे घर के? वो घर के सब लाडले थे, बहुत अच्छा स्वभाव था, किसी का दिल नहीं दुखाते थे। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, बड़ी शहादत है ये। देखिए, तुम्हारे यहाँ मनगवा थाने में मणिपुर चौकी है, वहाँ पे फरेंदा करके गांव है, वहाँ के निवासी हैं दीपक सिंह जो 16 बिहार रेजिमेंट में पोस्टेड थे। और जो उनकी डेथ की सूचना प्राप्त हुई है
जो भी चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो स्कर्मिश हुई है, उसमें डेथ हुई है, ऐसा कंफर्मेशन आया है। उनके परिवार वालों के माध्यम से बात करने पर पता चला है, उन लोगों को इंटीमेशन वहाँ पे यूनाइट से मिला है। हम लोगों के पास अभी औपचारिक लेटर नहीं आया है, लेकिन कंफर्मेशन उनके फैमिली के थ्रू प्राप्त हुआ है और बहुत दुख का विषय है ये। और हम लोग लगातार फैमिली के साथ संपर्क में हैं, उनके जैसे ही उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पे आता है फॉर्मेलिटी की जाएगी। सर अभी तक पता है कब तक शव आ सकता है? नहीं, अभी इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता है, क्योंकि वो डिफिकल्ट स्पॉट है टेरेन में जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। कितना समय लगेगा ये वहाँ पे आर्मी के हेडक्वार्टर से ही कन्फर्म हो पाएगा, तो हम लोग उनसे भी संपर्क में हैं, जैसे इनसे इनपुट कोई मिलता है हम लोग शेयर करेंगे।